हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ टैंक सर्किट के बारे में। टैंक सर्किट को ही हम लोग कहते हैं ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक इंडक्टर को उसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं टैंक सर्किट। एक इंडक्टर को उसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं टैंक सर्किट। टैंक सर्किट बेसिकली होता क्या है, इस फिगर से देखिए। यहाँ पे एक सप्लाई दिए हैं वी, यहाँ पे कैपेसिटर लगाए हैं, एक इंडक्टर है, इसको पूरा कहेंगे टैंक सर्किट। यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। इस फिगर में आइए, जब हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे तो जो करंट का फ्लो होगा ये हो गया प्लस माइनस। यहाँ से करंट का फ्लो होगा तो जो कैपेसिटर है वह चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। फिर जो है जब चार्जिंग हो जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वही जो वोल्टेज है इसमें चार्जिंग हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो बैटरी यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे इंडक्टर को, जोड़ेंगे कैपेसिटर से। जब बैटरी बाहर हो गया तो इसमें हम लोग जो चार्ज था कैपेसिटर में वह फिर इधर फ्लो होने लगा। तो जो इंडक्टर था वह भी चार्जिंग होने लगा। इंडक्टर जब चार्जिंग होने लगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज था वही इसमें चार्जिंग होने लगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज था जीरो वोल्ट हो जाएगा, जीरो वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से चार्जिंग होगा तो चार्जिंग का फ्लो यहाँ से होगा। जब चार्जिंग का फ्लो यहाँ से होगा तो इस फिगर में देखिए ए वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट का जो फ्लो हो रहा है इधर से हो रहा है, मतलब ए वाला प्लस हो जाएगा, ए वाला माइनस हो जाएगा इस फिगर में। तो जो इसमें करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है इसमें फ्लो हो गया और इसमें जो है चार्ज संरक्षित हो गया, जो कैपेसिटर था वो चार्जिंग हो गया। फिर इस फिगर में आए, फिर हम लोग जो था उसमें फिर जो करंट का फ्लो होगा इधर से होगा, कैपेसिटर में जो चार्ज था उसमें जो फ्लो होगा करंट यहाँ से होगा, तो यहाँ से जो फ्लो होगा तो फिर से इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। इंडक्टर चार्ज हो जाएगा मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज था वो जीरो हो गया, जो कैपेसिटर था वो डिस्चार्जिंग हो गया। फिर से जब हम आएंगे तो इसमें से फिर से करंट का फ्लो होगा, तो ऊपर से करंट का फ्लो होगा, इसमें फिर कैपेसिटर हम लोग का चार्ज हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, फिर जो इंडक्टर था वो जीरो हो गया। इसका कहने का मतलब क्या होगा, जब हम लोग सिग्नल को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले क्या था वी, यहाँ पे था टी। कुछ हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, पहले जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो कुछ वोल्टेज दिए यहाँ पे, फिर कैपेसिटर चार्ज हुआ प्लस में चार्ज हुआ, फिर हम लोग का जो हो गया यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब प्लस में और माइनस में। प्लस में हम लोग का चार्ज हुआ, यहाँ से फ्लो किया, फिर इंडक्टर चार्ज हुआ, फिर से जो कैपेसिटर था वो जीरो हो गया, फिर से यहाँ पे जीरो हो गया, जो वोल्टेज था वो जीरो हो गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आया, फिर चार्जिंग हो गया, लेकिन जो इसका प्लस माइनस था उल्टा हो गया, मतलब जो नीचे वाला था वो प्लस हो गया, मतलब नीचे से यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर से यहाँ से जब जाएगा फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वोल्टेज जो था यहाँ पे जीरो हो चुका है। फिर से जब हम लोग आगे जाएंगे फिर से यह चार्जिंग होगा, कैपेसिटर प्लस में चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पे ऊपर प्लस आ रहा है, तो ऊपर प्लस आएगा तो यहाँ से होगा। तो इस प्रकार से वेव फॉर्म बनता है इसका, यही लाभ होता है टैंक सर्किट का। और करंट का भी वेव फॉर्म इसी तरह बनता है, अगर यहाँ पे करंट माने तो इसी तरह बनता है कुछ करंट का भी वेव फॉर्म, क्योंकि एक बार जीरो हो रहा है, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, फिर इसमें कैपेसिटर में चार्जिंग जीरो हो रहा है, मतलब करंट का इसमें फ्लो हो रहा है, फिर इसमें से करंट इसमें जीरो हो रहा है, फिर इसमें मैक्सिमम हो रहा है, फिर इसमें आ रहा है करंट, फिर इसमें जीरो हो रहा है, फिर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, फिर इसमें इंडक्टर में जीरो हो रहा है, मतलब पहले इंडक्टर में यहाँ पे जीरो होगा, फिर एक समय आएगा चार्जिंग हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर चार्जिंग हो जाएगा। तो हो गया करंट का वेव फॉर्म, हो गया वोल्टेज का वेव फॉर्म। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आता रहेगा। तब तक बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।